गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लासों में भारतीय दर्शन के बारे में महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर तथा अगर मैं बात करूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में, आपने तीन दर्शन के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में आपने देखा है। उसी कड़ी में आज चौथा दर्शन आपका है, जिसका नाम है जिज्जू भाई बधेगा, यानी कि गिरिजा शंकर भगवान जी बधेगा। अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूँ तो भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण दर्शन कहलाया गिरिजा शंकर भगवान जी बधेगा का दर्शन, क्योंकि यह दर्शन बाल केंद्र शिक्षा की बात करता है। अगर मैं बात करूं, आपने पिछली क्लास में रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन देखा था, वो प्रकृतवादियों की वास्तव में बात करता है, लेकिन गिरिजा शंकर भगवान जी बधेगा का जो दर्शन है वो बाल केंद्र शिक्षा की बात करता है, बालक की रुचियों अभिरुचियों तथा मानसिक योग्यताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करने पर बल प्रदान करता है। उसी कड़ी में इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और इनके दर्शन के बारे में जानेंगे, और बच्चों के प्रति इनका क्या रवैया रहा है, या वास्तव में क्या इनके कल्चर बच्चों के प्रति क्या रहे हैं, परंपरा रही है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। अगर मैं बात करूँ गिरिजा शंकर भगवान जी बधेगा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1885 सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं बात करूँ जन्मभूमि के बारे में बात करूँ, जन्म स्थान के बारे में बात करूँ, तो चित्तर नामक स्थान पर, तो कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र में पड़ता है, चित्तर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इस महान विख्यात प्रख्यात दार्शनिक कवि जो मृत्यु हुई वो 23 जून 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर मैं बात करूँ, अभी से मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल प्रदान करते हैं, यानी कि बालक की रुचियों अभिरुचियों मानसिक योग्यताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करने पर बल प्रदान करते हैं। अगर मैं शिक्षा दर्शन के बारे में बात की जाए, शिक्षा दर्शन में इनके द्वारा अपने दर्शन को एक शब्द स्वर्ग में अनुभव किया, यानी कि ठीक है, व्हाट इज हेवन। अगर मैं बात करूँ, इनके द्वारा अपने दर्शन को एक स्वर्ग में अनुभव किया है, और इन्होंने कहा स्वर्ग का अर्थ क्या है, कि दर्शन में जो बात की गई स्वर्ग का अर्थ क्या है, कहते हैं आनंदमय जीवन। स्वर्ग का वास्तव में अर्थ क्या है, आनंदमय जीवन। अगर मैं बात करूं तो इनके अनुसार जो आनंदमय जीवन बताया गया है वो किसके लिए बताया गया है, तो बात की गई थी बच्चों के लिए बताया गया है। तो इसमें कहा कि स्वर्ग बालक के हैप्पीनेस में है, स्वर्ग बालक के खुशी में है, स्वर्ग बालक के हेल्थ में है, मतलब स्वर्ग बालक के स्वास्थ्य में है, स्वर्ग बालक प्रियर्स में है। अगर मैं देखूँ क्या क्या बात की गई, स्वर्ग बालक के प्रियर्स में है, स्वर्ग बालक के साउंड यानी कि गाने और गुनगुनाने में है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर बात की जाए गिज्जू भाई बधेगा के बारे में, गिज्जू भाई बधेगा ने जो बच्चों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है, उसमें बच्चों की हैप्पीनेस, हेल्थ, प्लीजर्स, गाने गुनगुनाने, आनंदमय जीवन जीने के लिए इन्होंने बच्चों के प्रति स्वर्ग के रूप में संज्ञा प्रदान की गई। अगर मैं बात करूँ गिज्जू भाई बधेगा के, यानी कि गिज्जू भाई के शैक्षिक सिद्धांत की, तो वास्तव में अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल्स होते क्या है, तो कहें कि जो नियम तटबद्ध है या उनके द्वारा जो हम अपने कार्य की संज्ञा प्रदान करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इस संसार में जीवन जीने की कला की बात करते हैं, वही तो सिद्धांत है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला का सिद्धांत जो आया बाल केंद्र शिक्षा पर बल प्रदान करना, यानी कि हमेशा बच्चों के प्रति की बात की, बच्चों के लिए बात की, यानी कि बच्चों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने पर बात की, यानी कि शिक्षा बालक की रुचियों के अनुसार बात की। स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी कि बच्चों को हमेशा स्वतंत्र रहने पर प्रदान किया जाए। करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग की संज्ञा दी गई। बालक की भागीदारी का सिद्धांत, यानी कि वास्तव में उस व्यवस्था में, ठीक है, जो व्यवस्था वहाँ पे विद्यालय में है या कहीं पे भी है या समाज में है, तो उस व्यवस्था में बच्चों की भागीदारी कितने परसेंट है, इसकी संज्ञा दी गई। प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि वही बात लर्निंग बाय डूइंग की संज्ञा दी गई। प्रत्यक्ष अनुभव के सिद्धांत की चर्चा इनके द्वारा की गई। यदि मैं बात करूँ गिज्जू भाई बधेगा के द्वारा बच्चों को संसारिक मंदिर, यानी कि इन्होंने अगर बेसिक छोटी सी जानकारी जो आपको है मैं बता दूँ, इन्होंने क्या कहा कि जैसे मंदिर होता है उसकी पूजा की जाती है, उसकी अर्चना की जाती है, उसकी साफ सफाई रखी जाती है, उसी प्रकार एक बच्चा समझे मंदिर, एक जो बच्चा है वो क्या है, मंदिर है। तो मंदिर का आपको रख रखाव करना है, मंदिर पूरी रूप से अगर मैं बात करूँ तो 1920 में गिज्जू भाई एक हाई स्कूल विद्यालय था, उसमें प्राचार्य के पद था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ इसलिए छोड़ा बच्चों को वास्तव में भागीदारी बनाने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने दक्षिणामूर्त बाल मंदिर की स्थापना की। यानी कि एक ऐसे मंदिर की स्थापना की, एक बाल ऐसे बाल मंदिर की स्थापना की जो व्यवस्थित जीवन शैली सुंदर अति सुंदर के रूप में, यानी कि बाल, ठीक है, जो 1922 में बड़ा ही सुंदर बाल मंदिर निर्मित किया गया। कब निर्मित किया गया? यानी कि 1920 में आचार्य का पद छोड़ा, इतना ज्यादा लगन से इन्होंने काम किया, यह काम करवाया जो 1922 में मतलब मात्र 2 वर्ष में इन्होंने ऐसे बाल मंदिर की स्थापना कर दी, जहां पर बच्चों की शिक्षा की बात की, बच्चों की बाल केंद्र शिक्षा की बात की गई। इनके बाल मंदिर की जो विशेषताएं नजर आई वो क्या थी? तो बाल मंदिर की विशेषता की पहली बात की बालक की पवित्रता, यानी कि वास्तव में चरित्र निर्माण पर बल दिया गया। बाल केंद्र शिक्षा पर बच्चों की रुचि और रुचि मानसिक योग्यताओं के अनुसार शिक्षा पर प्रदान किया गया। स्नेह और यानी कि हमेशा प्रेम स्वभाव की बात की गई, यानी कि हमेशा एक ऐसे लगाव की बात की गई, बच्चा स्वयं सोचे नहीं मुझे विद्यालय में रहना है, विद्यालय में पढ़ना है, लोगों की सेवा करना है, नैतिक विचारों की चर्चा करनी है। बालक की भागीदारी यानी पार्टिसिपेंट की बात की गई, यानी कि बच्चा वास्तव में कितना भागीदार है और कर्म सीखने के सिद्धांत पर बल इनके द्वारा प्रदान किया गया। यदि मैं बात करूँ कि जो भाई बधिका आपने इतनी कुछ जो छोटी सी जानकारी आपने ली है, तो अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको ऑलरेडी है कि वास्तव में जो गिज्जू भाई थे, गिरजाशंकर भगवान दास जो पधिका थे, वो फ्रांसीसी विचारक रूसू से वास्तव में, ठीक है, फ्रांसीसी विचारक रूसू से प्रभावित थे। और रूसू क्या थे? तो आंसर आता है रूसू प्रकृतिवादी थे। रूसू क्या थे? रूसू प्रकृतिवादी थे। और प्रकृतिवादी रूसू थे कि शिक्षा की बात करते थे, बाल केंद्र शिक्षा की बात करते थे, ठीक है, स्वतंत्रता की बात करते थे। उसी तरह शिक्षण विधियों में इन्होंने सबसे पहले जो बात की वो भाषा की बात की। यानी कि अगर मैं बात करूँ गिज्जू भाई बधिका के बारे में, गिज्जू भाई बधिका ने, ठीक है, सबसे पहले भाषा को पढ़ना सिखाया जाता है, यानी कि भाषा के द्वारा बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे चरण में भाषा के द्वारा रेखा चित्रण करने की बात की, यानी कि पहली बात तो भाषा के द्वारा पढ़ने की बात की, इसके बाद रेखा चित्रों की बात की। अगर मैं बात करूँ रेखा चित्रण की बात की, तो गिज्जू भाई बधिका ने भाषा में वास्तव में भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने भाषा के द्वारा लिखना पढ़ना सीखना चित्र बनाना आदि की संज्ञा के द्वारा दी गई। इसके बाद पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कविता शिक्षण की बात किया, कि बच्चों को कविता के माध्यम से शिक्षण कार्य करने पर बल प्रदान किया गया, इसके द्वारा गिज्जू भाई बधिका के द्वारा। इसके बाद व्याकरण शिक्षण की बात की, अगर मैं बात करूँ किसी तरह की व्याकरण शिक्षण की बात की गिज्जू भाई बधिका ने। अगले चरण में किसकी बात की? व्याकरण शिक्षण की बात की। इतिहास शिक्षण की बात की, किसकी बात की? इतिहास शिक्षण की बात की। इतिहास शिक्षण की बात की, यानी कि वास्तव में इसके द्वारा हमारे समाज में या पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, संसार में, किसी देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं, इसकी चर्चा की। भूगोल शिक्षण की बात की इनके द्वारा, यानी कि भूगोल शिक्षण की बात की, यानी पृथ्वी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की, संसार में इसकी उत्पत्ति के बारे में बात की गई। चित्रकला शिक्षण पर बात की, उसके बाद की चित्रकला शिक्षण पर बात की, यानी कि बच्चों को चित्रकला शिक्षण के बारे में बात की गई। अगर मैं बात करूं चित्रकला शिक्षण के बारे में बात की गई, गणित शिक्षण की बात की गई, किसकी बात की गई? गणित शिक्षण की बात की गई। गणित शिक्षण की बात की गई गिज्जू भाई बधिका, यानी कि वास्तव में इसका भी योगदान रहा। धार्मिक शिक्षा की बात की, खेलकूद की बात की, किसकी बात की? खेलकूद की बात की। तो इन्होंने, अगर मैं बात करूं इनके शिक्षण विधियों में शून्य से लेकर शिखर तक चर्चा की गई, किसकी बात की गई? शून्य से लेकर शिखर तक चर्चा की गई, मतलब भाषा पढ़ने लिखने पर बल दिया गया, रेखा चित्रण की बात की गई, कविता के शिक्षण माध्यम से पढ़ाने पर बात की गई, व्याकरण शिक्षण की बात की गई, इतिहास शिक्षण की बात की गई, भूगोल शिक्षण की बात की गई, चित्रकला शिक्षण की बात की गई, ठीक है, गणित शिक्षण की बात की गई, धार्मिक शिक्षा की बात की गई, खेल को शिक्षा पर बल प्रदान किया गया। अगर मैं बात करूं गिज्जू भाई बधिका के बारे में, गिज्जू भाई बधिका ने शिक्षा का स्वरूप बताया, थोड़ा सा जानकारी आपने ये भी ध्यान रखिएगा, गिज्जू भाई का जो दर्शन है, गिज्जू भाई जो शिक्षक का स्वरूप बताया, किसका बताया? शिक्षक का स्वरूप बताया,
तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिक्षक का स्वरूप जो भय के अनुसार क्या होता है। तो शिक्षक का अगर शिक्षक बच्चों को ईश्वर तत्व यानी पहला कौन नहीं कहा, जो शिक्षक है ना वो बच्चों को ईश्वर का रूप माने, यानी कि ईश्वर का रूप माने। जैसे एक व्यक्ति किसी मंदिर में जाके किसी भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर उससे प्रेरणा करता, ठीक है, उसका पूजन करता है कि हे ईश्वर मुझ मेरी ये विनती पूरी करिए, मेरा ये काम का है, मैं आपको श्रद्धा पूर्वक नमन अर्पित करता हूँ। अर्थात उन्होंने कहा कि यह जो शिक्षक है ना वो बच्चों को एक ईश्वर का रूप माने, यानी कि जिस तरह एक मूर्ति की पूजा या किसी ईश्वर की पूजा करते हैं उसी तरह बच्चों की आप पूजा करें। इसके बाद में शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व का आदर करें, अगर मैं बात करूं शिक्षक बच्चों के, अगर यहाँ पर बात करें शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व का आदर करें, यानी यहाँ पर भी देख रहे हो व्यक्तित्व का आदर करें, यानी कि आदर करें, यानी कि मुख्य रूप से बच्चों का जो भी स्वभाव हो उसकी उसका आदर करें, उसके प्रेम स्नेह की बात करें, बच्चों को स्वतंत्रता का वातावरण प्रस्तुत करें, यानी कि बच्चों को स्वयं जीने का वातावरण प्रस्तुत करें, शिक्षक बच्चों को स्नेह प्रदान करें, शिक्षक बच्चों को भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाए रहे। अगर मैं बात करूं तो बिजू भाई बदेका का दर्शन जो वास्तव में शिक्षक के द्वारा ये कर्तव्य बताया गया है कि बच्चों को हमेशा ईश्वर का रूप माने, उनके व्यक्तित्व का आदर करें, प्रेम स्नेह की बात करें, उनकी संवेदनाओं का आदर करें। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा जानकारी आप जो लिया है इसका नोट्स बनाएगा, व्यवस्थित जीवन शैली करके अगर आप चलेंगे ना तो अगर मैं व्यवस्थित जीवन शैली की बात करूं तो आपने जो आपका ये सिलेबस है जिसमें आपने वर्तमान भारतीय समाज शिक्षा की बात मैं कर रहा हूं, ये आपके जो उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्तियों में वास्तव में इसका बहुत ज्यादा योगदान, इसका इतना ज्यादा योगदान है कि यहाँ से कम 5 नंबर का ये पूरा जो आपने टॉपिक जो आपने किताब का नाम सुना वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभ शिक्षा में 5-6 नंबर का पूछ लेता है। इसमें आपने जो भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन भी आपको इसमें पढ़ने हैं, आपने पाश्चात्य दर्शन पिछले कुछ क्लासों में आपने देख लिया है, भारतीय दर्शन का ही अंतिम दर्शन था, इसमें सिलेबस में केवल 4 दर्शन की संख्या दी गई थी जिसमें आपने 4 दर्शन आज देख लिया। इसके बाद पाश्चात्य दर्शन में 3 दर्शन थे जिसमें प्रयोजनवाद था, प्रकृतवाद था, आदर्शवाद, 3 दर्शन आपने देखा है। अगली कुछ क्लासों में आपने 3 दर्शन के बारे में जो आपने पढ़ा है इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कुछ प्रतियोगिता कराई जाएगी जिसमें आपको ये अपना ठीक है स्वयं मूल्यांकन करना है, घर बैठे आपको स्वयं मूल्यांकन करना है कि आप वास्तव में जो पिछले कुछ क्लासों में पढ़े हैं उसमें आपने कितना परसेंट गेन किया है। अगली कुछ क्लासों में जो नए टॉपिक उनकी चर्चा की जाएगी, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।